हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक इंजन और मैं पंकज बोरा आपका होस्ट लेकर आया हूं जेक्वेरी वीडियो सीरीज़। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम जेक्वेरी के बारे में बात करेंगे। जेक्वेरी क्या है और हम जेक्वेरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने वेब डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक शॉर्ट डिस्कशन देना चाहूँगा जेक्वेरी के ऊपर। आपने कभी भी अगर वेबसाइट डेवलप किया होगा और उसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ किया होगा, आपने डॉम मैनिपुलेशन किया होगा जावास्क्रिप्ट यूज़ करके, एजेक्स ऑपरेशंस किया होगा या दूसरे तरीके के एनिमेशन या ऑपरेशंस किए होंगे, और आपको पता ही होगा कि जावास्क्रिप्ट में ये सारे ऑपरेशंस कितने टफ और टाइम कंज्यूमिंग हैं। तो जेक्वेरी इसी चीज़ को सॉल्व करता है और हमें बहुत ही आसान इंटरफेस देता है, जिससे हम ये सारे ऑपरेशंस बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए कर सकते हैं। तो जेक्वेरी एक बहुत ही इजी और फ्लेक्सिबल वे है, जिससे आप अपने वेबसाइट पर इफेक्ट जनरेशन, डॉम मैनिपुलेशन, एजेक्स ऑपरेशंस और भी तरीके के ऑपरेशंस आसानी से और बिना टाइम बर्बाद किए कर सकते हो। दोस्तों, बेसिकली जेक्वेरी एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी ही है। ऐसा नहीं है कि जेक्वेरी एक लौता लाइब्रेरी है जिससे हम ये सारे ऑपरेशंस कर पाएँ, और भी लाइब्रेरीज हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगा जेक्वेरी का वो ये है कि ये बहुत ही फास्ट लोड होता है और मेमोरी में कम है। जेक्वेरी क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल भी है। इसका मतलब ये है कि आपने अगर जेक्वेरी को अपने जावास्क्रिप्ट कोड में यूज़ किया होगा तो वो कोड बहुत सारे वेब ब्राउज़र में काम करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है क्रॉस ब्राउज़र, मतलब ये क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल है और ये सारे वेब ब्राउज़र्स के लिस्ट है जो कि जेक्वेरी सपोर्ट करता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जेक्वेरी को कैसे अपने कोड में इंक्लूड करना है। इससे पहले कि हम अपने जेक्वेरी कोड को इंक्लूड करें, जो सबसे पहला चीज़ हमको करना है वो ये है कि जेक्वेरी डाउनलोड करना है, जो कि आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हो। डाउनलोड पे क्लिक करते ही हमें एक पेज में ले जाएगा जिस पे आपको ऑप्शंस मिलेगा कि आपको जेक्वेरी कौन सा डाउनलोड करना है, जो कि दो मेन है। पहला वाला है प्रोडक्शन और दूसरा वाला है डेवलपमेंट। दोस्तों, प्रोडक्शन तब यूज़ करना है हमें जब हम अपना कोड फाइनल कर चुके होंगे और वेब सर्वर में अपलोड ही करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोडक्शन वर्जन है वो कंप्रेस वर्जन है और मेमोरी में डेवलपमेंट वर्जन के कंपैरिजन में कम है, जो कि हमारे वेब पेज को फास्ट लोड होने में हेल्प करेगा। डेवलपमेंट वर्जन हम तब यूज़ करेंगे जब हमें या तो जेक्वेरी का कोड पढ़ना होगा, समझना होगा, और उसके बेसिस पे कोई हम प्लगइन डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि उस वैसे टाइप के सिचुएशन पे रीडेबिलिटी मैटर करता है। दोस्तों, एक बार आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद जेक्वेरी आप आसानी से अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं फिर दोबारा जेक्वेरी के मेन पेज पर, और जैसे ही हम जेक्वेरी का पेज स्क्रॉल करते हैं, हमें दिख ही रहा होगा कि जेक्वेरी बहुत ही पॉपुलर है। जैसे कि आप देख सकते हो, IBM मेंबर है जेक्वेरी का, और बहुत सारी कंपनियाज हैं जो जेक्वेरी यूज़ कर रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी कंपनीज हैं जो जेक्वेरी यूज़ करती है अपने कोड में। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल का सर्च ले लीजिए आप। जब भी आप गूगल विज़िट करते हो और गूगल के सर्च बार में आप जैसे टाइप करते हो कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल से कार, तो गूगल ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करता है कि और क्या क्या सर्च पहले किए होंगे किसी ने, तो वो लिस्ट आपको एक प्रोवाइड करता है ड्रॉप डाउन मेन्यू के सहारे। तो दोस्तों, वो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑटोमेटिकली जैसे आप टाइप करते हो, वो उसके रिजल्ट चेंज होते रहते हैं, वो बेसिकली जेक्वेरी यूज़ करके ही होता है। इसके बाद हम और भी नीचे आने पर हम आपको दिखेगा जो मैंने आपको पहले ही कहा था, जेक्वेरी हम बेसिकली इन तीन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, डॉम ट्रेवर्सल और मैनिपुलेशन, सेकेंड है इवेंट हैंडलिंग और थर्ड है एजेक्स। दोस्तों, डॉम आपको जैसे कि पता ही होगा, डॉम का मीनिंग है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ट्रेवर्सल एंड मैनिपुलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे
जैसे इधर पे दिया हुआ है, इससे हम अगर हम जावास्क्रिप्ट में ये कोड लिखने जाएं तो हमें कुछ लिखना पड़ता है, जैसे कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर एलिमेंट का आईडी हम लिखते, फिर इनर एचटीएमएल इक्वल टू समथिंग। लेकिन जेक्वेरी में हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। दोस्तों बेसिकली ये कोड क्या करता है कि इसने पहले तो हम सिलेक्टर यूज़ किए कि सारे बटन सिलेक्ट करता है जिसका क्लास है कंटिन्यू, और उन बटन में का एचटीएमएल नेक्स्ट स्टेप पर चेंज हो जाता है इस कमांड से। तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हमको सिलेक्ट करना है, ये डॉम मैनिपुलेट हो गया, अगर हमको डॉम सिलेक्ट करना है, डॉम का कोई एलिमेंट सिलेक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, पहले ये सिंबल लगाएंगे, उसके बाद हम इस ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक इसके ब्रैकेट्स के अंदर हम ये इधर पे प्रोवाइड करेंगे सिलेक्टर, जो कि क्लास हो सकता है, आईडी सिलेक्टर हो सकता है, दूसरे तरीके के सिलेक्टर्स हो सकते हैं, और फिर हम उसके बाद हम इधर पे अपना इवेंट इधर पे हम अपेंड करेंगे। दोस्तों इसके बाद आता है इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि एक सिचुएशन मान लीजिए जहाँ पे आपने एक बटन को क्लिक किया और एक पॉपअप शो हुआ, और मान लीजिए पॉपअप को हमने एक आईडी दे दिया जो कि है बैनर मैसेज, और बैनर मैसेज इज इक्वल टू हिडन बॉक्स हमने वेरिएबल पे स्टोर कर दिया। फिर इसमें हमने जैसे पहले हम जेक्वेरी में सिलेक्ट करने के लिए डॉलर साइन यूज़ करते हैं, फिर ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना सिलेक्टर यूज़ करते हैं। इस केस में सिलेक्टर है एक बटन जिसका आईडी है बटन कंटेनर। तो जैसे ही हम इसमें हम इवेंट ऑन यूज़ करके इवेंट अपेंड करते हैं, तो जैसे ही बटन पे कोई क्लिक करता है, जो कि हम इधर पे देख सकते हैं क्लिक हमने यूज़ किया है, इधर माउस ओवर हो सकता है, दूसरे और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो हिडन जो बॉक्स है वो शो हो जाता है। तो देखा दोस्तों ये सिंपल, मतलब कितना सिंपली से हमने ये चीज़ कर लिया, जो कि अगर जावास्क्रिप्ट में करना होता तो हमें सिलेक्ट करने के लिए ही गेट एलिमेंट बाय आईडी कितना लिखना पड़ता, तो जेक्वेरी हमारा टाइम बचा रहा है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जेक्वेरी बेसिकली यूज़ होता है, वो एजेक्स ऑपरेशंस के लिए। नॉर्मली एजेक्स ऑपरेशंस जावास्क्रिप्ट में बहुत ही पेन की चीज़ होती है, बहुत सारे ये करना चाहते नहीं है नॉर्मली, क्योंकि ये बहुत लेंदी होता है, और जैसे ही लेंदी होता है एरर्स की संभावना भी ज़्यादा होती है। तो आप जैसे देख सकते हो जेक्वेरी में एजेक्स ऑपरेशन कितना छोटा और कितना इफेक्टिव है, इजीली आप इधर पे कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हो। इसमें जैसे पैरामीटर्स हैं, इसमें एजेक्स जो वो है फंक्शन है वो एक्सेप्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, जिसका पहला वाला है एलिमेंट वो है URL। आप URL प्रोवाइड कीजिए जिसको आपको एजेक्स कॉल करना है जिस स्क्रिप्ट को। फिर आप डाटा प्रोवाइड कीजिए कि आपको डाटा, अगर आप वेब इस URL पे कोई वेब पेज है तो उसमें आप डाटा भेज रहे हो तो आप इसमें डाटा इंक्लूड कीजिए, और अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इधर पे आप कोई भी कोड ऐड करें जो इसके बाद रन होगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा जेक्वेरी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। अगर आप कन्फ्यूजन हो कि ये फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं जेक्वेरी में और क्या क्या फंक्शंस हैं, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सारे फंक्शंस। उसके लिए आपको API डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा, और जैसे आप API डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे आपको इधर पे सारे फंक्शंस के लिस्ट मिलेंगे, तो आप कोई भी फंक्शंस इधर पे सर्च कर सकते हो सर्च में। जैसे कि कोई भी तरीके का फंक्शन मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ गेट, तो गेट रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं दोस्तों वो सारे मेरे को इधर पे दिख जाएंगे। चलिए गेट नाम का कोई फंक्शन है नहीं वैसे, तो ये होगा एजेक्स, सॉरी एजेक्स रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं सारे इसके आपको लिस्ट आ गए हैं। अब इसमें कोई भी आप क्लिक कर सकते हो कि एजेक्स सेंड होने पे ये मतलब क्या है, तो एजेक्स स्टार्ट स्टॉप सक्सेस और ये सब, जैसे कि हमने देखा था पहले सक्सेस वाला, वैसे कोई भी आप जब सर्च कर सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एक जेक्वेरी आपको ईजिली एक डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ही एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से आप बिना किसी के सपोर्ट के बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, खुद ही सीख सकते हो। दोस्तों इसके बाद आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जेक्वेरी एक बहुत ही एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है। जेक्वेरी में सिर्फ ये बेसिक लाइब्रेरी जो आपने डाउनलोड किया, और भी लाइब्रेरीज हैं
मैं इस सीरीज़ वीडियो सीरीज़ में आपके साथ लगभग मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिस्कस करूँगा एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारे के एग्जाम्पल्स के साथ आपको फंक्शंस डिस्कस करेंगे जेक्वेरी के। जितने भी फंक्शंस प्रोवाइड करता है उनमें से हम मोस्ट फंक्शंस ट्राई करेंगे कि हम कवर कर लें, और इस सीरीज़ के एंड में हम एडवांस फंक्शनलिटी भी डिस्कस करेंगे लाइक एजेक्स, एनिमेशन इफेक्ट्स, प्लगइन्स एक्सेट्रा, तो जिससे आपको जेक्वेरी सीखने में बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होगी। जेक्वेरी एक बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है दोस्तों, जो हम अगर अच्छे से यूज़ करें अपने कोड में तो हमारा वर्क और भी एफिशिएंट और पावरफुल हो सकता है और हम बहुत टाइम भी बचाएंगे। अपार्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी जेक्वेरी ऑल्सो प्रोवाइड्स दोस्तों जेक्वेरी यूआई। जैसे मैंने आपको पहले कहा, जेक्वेरी एक बहुत ही एक्सटेंसिव लाइब्रेरी उसका कलेक्शन है। जेक्वेरी यूआई यूज़ करके आप अपने एप्लीकेशंस में फंक्शंस जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप कैपेबिलिटी, एकॉर्डियन, बटन्स, चेकबॉक्स, डायलॉग्स, फिर टैब्स, ये सब चीज़ें आसानी से ही इंक्लूड कर सकते हैं। और इफ़ेक्ट्स, जैसे कि ये सारे इफ़ेक्ट्स आपको दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये सारे ही आसानी से आप इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन हम इसके बारे में लेटर सीरीज़ में, लेटर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले जो वीडियोज़ होगा वो हम बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करेंगे जेक्वेरी में, और उसके सारे फंक्शनलिटीज़ हम ट्राई करेंगे कि यूज़ करें और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करें। दोस्तों अब आज के लिए इतना ही, फ्यूचर में मैं इसके और भी वीडियोस लाता रहूँगा। आप बने रहिए इस चैनल पे, मैं रोज़ एक नया वीडियो लाऊँगा जिससे आपको जेक्वेरी फ्रॉम बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं पंकज बोरा आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों।